करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हुक मेकर। और ये तो पैरेंट फैमिली। और अब सिंगल पैरेंट फैमिली। अ सिंगल पैरेंट फैमिली इज पैरेंट हु ब्रिंग्स अ चाइल्ड और चिल्ड्रन अलोन। जैसे काजल मौसी की शिव एक ही बच्ची है शिवी, तो उनकी फैमिली हुई सिंगल पैरेंट फैमिली। ठीक, अब आगे देखते हैं। ज्वाइंट फैमिली, फैमिली इन विच देयर आर मेनी जनरेशन। जैसे जो फैमिली जिनमें बहुत सारे लोग रहते हैं, दादा दादी नाना नानी, पापा के दादा, पापा के मम्मी पापा, मम्मी के मम्मी पापा, और बच्चे नहीं सिबलिंग्स आए, सिबलिंग्स बॉय एंड गर्ल। अब देखो पढ़ो, दिस इज द चेन फॉलो बाय एवरी फैमिली। ये जो है ये दादा दादी ये वो, ठीक, ये हर एक फैमिली में है और ये जनरेशन चलती रहती है। ठीक, जैसे अभी तुम दोनों, हम दोनों उसके बाद हम लोग के मम्मी पापा या दादा दादी बन जाएंगे। हाँ, उसके बाद टाइप्स ऑफ फैमिली हमने बहुत बार देखा है कि जो फैमिली होती है, देखो कुछ कुछ फैमिली बहुत बड़ी होती है जिसे हम लोग कहते हैं जॉइंट फैमिली, कुछ कुछ फैमिली छोटी न्यूक्लियर और वर्किंग। वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट रोली सिंह, और आप देख रहे हैं रोलीज लाइफ स्टाइल। तो आज दोपहर में ही मैंने एक ब्लॉग का एंड किया, तो मैंने सोचा कि मैं शाम से दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, और अभी बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं, तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और बच्चे बाहर पार्किंग एरिया में खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, उसके लिए सॉरी, चिल्ला रहे हैं वो लोग, लेकिन क्या करें, वो लोग खेलते तो ऐसे ही चिल्लाते हैं। नॉर्मल घर में बेड पे खेलेंगे तो भी ऐसे चिल्लाएंगे, बाहर यहाँ पार्किंग में खेलेंगे तो भी ऐसे चिल्लाएंगे, और पार्किंग से जस्ट किचन का जो विंडो है वो मतलब सामने ही है, तो इसलिए नॉइज़ ज़्यादा आ रहा होगा आपको। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ते में, इतने टाइम शाम में मैक्रोनी बनाने जा रही हूँ, तो दोपहर से आज कुछ ना कुछ हैवी ही हो रहा है। दोपहर में हम लोगों ने आलू न्यूट्रीला की सब्ज़ी चावल रोटी बनाई थी, और इतने टाइम नाश्ते में हम लोग मैक्रोनी बनाने जा रहे हैं। एक्चुअली सुबह ही हस्बैंड ने बोल दिया था कि आज शाम को मैं 5 बजे मैक्रोनी खाऊंगा, तो मतलब उनको मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने बोल दिया मतलब बोल दिया। और वैसे भी घर में कुछ सब्जियां ज़्यादा हैं नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है बना लेती हूँ, तो इसके लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है, और ये मैक्रोनी बस इतनी चीज थी, थोड़ी ही, बहुत ज़्यादा नहीं है। पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फ़ैन ऑन कर लूँगी तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, नॉइज़ आएगा, तो अभी मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। सो गाइज, अब मैक्रोनी के लिए सबसे पहले मैंने एक भगोने में पानी रख दिया है, मैक्रोनी का 2 गुना पानी होना चाहिए, यानी कि डबल, जैसे कि एक आधा किलो आपने मैक्रोनी ली है तो उसका 1 लीटर पानी होना चाहिए। उसमें डाल दीजिए आप 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच डाल दीजिए आप रिफाइन ऑयल। मेरे बैकग्राउंड में जो चिड़िया है वो बोल रही है, कितना प्यारा लग रहा है। और उसके बाद मैं जब तक ये बॉईल होगा तब तक मैं जो मेरे पास वजीज़ हैं उनको मैं चॉप कर लूँगी। मेरे पास है अनियन और कैप्सिकम और टमाटोज़ हैं, तो वही मैं चॉप करूँगी। तो मैंने अनियन की जो स्लाइसेस हैं वो कट कर ली हैं, और मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है वीडियो को, और उसके बाद मैंने ये कैप्सिकम कट कर लिया है, और इसके बाद हम कट करेंगे टमाटोज़। और इतने फास्ट मैं चॉपिंग नहीं करती हूँ, ये वीडियो में ही आपको दिख रहा होगा। तो बस मेरी जो वेजिटेबल्स हैं वो चॉप हो गई हैं, और तब तक मेरी जो मैक्रोनी है वो भी बॉईल हो चुकी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने तड़का लगा दिया है कढ़ाई में, मैंने डाला थोड़ा सा रिफाइन ऑयल, उसमें मैंने डाला लहसुन और हरी मिर्ची, और आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ। उसके बाद हम अनियन डालेंगे। अगर आप मैक्रोनी या फिर चाउमीन बना रहे हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी आप जो वेजिटेबल्स डालें उनको बहुत ज़्यादा पकाएं नहीं, पहली बात तो, और ढककर तो बिल्कुल भी ना पकाएं, उससे वो पानी छोड़ देगा तो आपकी जो सारी जो स्वाद है इसका वो ख़राब हो जाएगा। इसको आपको तेज़ आँच पर ही पकाना है, भूनना है, इसका जो टेस्ट है तभी आता है, और ये प्रॉपर जो है मतलब खुशबू भी उसकी अच्छी आती है, वैसे वो बिल्कुल गला गला सा फिर अच्छा नहीं लगता है। तो बस तेज़ आंच पे ही मैं इसको अच्छे से भून लूँगी ऑयल में,
आप लोग देख सकते हैं कि ये बढ़िया से भुन रहा है। और आप चाहें तो टमाटर को गला सकते हैं, बट मैं टमाटर को भी साथ में ही डाल दूंगी। और इसके साथ हम जो है नमक डाल देंगे। इसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करूँगी, आप चाहें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे कि मसाला वगैरह, कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मसाला डाल के बना देते हैं, तो आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। तो इसके बाद हमने इसमें मैक्रोनी ऐड कर दी है। और आप चाहें तो जब सब्ज़ियाँ बना रहे हैं आप उसमें, मतलब सब्ज़ियों में ही आप डाल सकते हैं जो मसाले या फिर जो आप सॉसेस वगैरह डाल रहे हैं। तो बस मैंने इसमें जो है डाल दिया। और ये है विनीगर, विनीगर मुझे अच्छी लगती है चाउमीन या फिर उसमें डालने के लिए। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, और अगर आप चाहें तो इसमें टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं, बट मैंने टमाटो सॉस मैंने उठाया डालने के लिए पर मैंने डाला नहीं। और ये है चिली सॉस, और उसके बाद ये है मैक्रोनी मसाला एक पाउच, इसको मैंने डाल दिया बस। उसके बाद कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बढ़िया से भून दीजिए अच्छे से, काफ़ी थोड़ा सा देर तक धीमी आंच पे, और ताकि अच्छे से गाइस मैक्रोनी तो बनके तैयार हो गई है। पर मेरी जो हालत बन गई है उसको मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप मेरे फेस पे पसीना देख सकते हो, और ये पसीना मैं बार बार पोंछ रही हूँ तभी हाल है। और मैक्रोनी बन चुकी है, आप लोग देख सकते हो मैक्रोनी को। इस मैक्रोनी को ना आपको लोहे की कढ़ाई में मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बना हुआ जो खाना होता है ना उसका जो स्वाद होता है ज़्यादा होता है, और प्लस ये हेल्थ के लिए लोहे की कढ़ाई जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। और आप लोगों ने अगर एक चीज़ नोटिस किया होगा तो कभी भी हम लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं तो अगर स्ट्रीट पे जाओ तो उन लोगों का जो खाना होता है वो लोहे की कढ़ाई में ही बना होता है। बस फ़र्क ये होता है कि वो लोग तुरंत उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे बर्तन में, और उन लोगों का जो बर्तन होता है ना वो लोग इतनी बार बनाते हैं कि उसमें उसका बर्तन का कलर नहीं आता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली हुआ रहता है। सो अभी मैं जल्दी जल्दी इसको सर्व करने जा रही हूँ और मेरी हालत ख़राब हो जाती है। सच में बताऊँ आज का क्या हो जाए ना, किचन में खाना बनाने के बाद कुछ भी और करने का मन ही नहीं करता, इवन खाने का भी मन नहीं करता। सो गाइज जो मैक्रोनी है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और ऊपर से मैंने डाल दिया है टमाटो सॉस। मेरे हस्बैंड को टमाटो सॉस डाल के पसंद है, तो बस बच्चों के लिए भी मैंने निकाल दिया है। तो बच्चों के लिए मैंने पहले डाइनिंग टेबल पे ही रखा था, लेकिन ये लोग क्योंकि थोड़ा सा खेले थे और इन लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगी थी तो मैंने इनको बोला हाथ पैर धुल के अंदर ही आ जाओ, तो इन लोगों ने बोला मम्मा एसी चला दो, तो बस ये लोग एसी के सामने आके बैठे थे और इन्जॉय कर रहे थे मैक्रोनी, और मैं भी इनके साथ ही बैठी थी। पापा इनके बैठे थे बाहर ऑफिस रूम में, वो वहाँ पे खा रहे थे क्योंकि उनकी कॉल चल रही थी। तो बस हम लोग मैक्रोनी इन्जॉय कर रहे थे, और मैक्रोनी बहुत सिंपल सी मैंने बनाई थी बट ये काफ़ी टेस्टी बनती है। आप लोग भी ट्राई करके बताना कि आप लोगों की कैसी बनी है। एंड मैं हर जो जितनी भी वुमेंस हैं उनकी एक प्रॉब्लम ज़रूर होगी कि किचन में खाना बनाने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन खाना बनाने के बाद जो ये किचन की हालत होती है ना और जो बर्तन निकलते हैं उफ, और ख़ासकर इस गर्मी में मतलब हालत ख़राब हो जाती है। तो बस मैं किचन में आ गई थी, पहले से जो बर्तन टोकरी में धुल के रखे थे उनको मैं लगाऊंगी स्टैंड में, उसके बाद मैं सारे बर्तन वगैरह को धुल लूँगी, किचन को क्लीन कर दूँगी, क्योंकि उसी टाइम पे किचन को क्लीन कर दो ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर बाद में मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है। तो किचन की हालत बहुत ख़राब हुई पड़ी थी तो मैं बस किचन को क्लीन करने जा रही थी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो बस अभी मैं शाम हो गई है ज़्यादा, और मैं बाहर बैठ गई हूँ आके थोड़ा सा छत पे, शाम के टाइम में